हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टीचर एग्जाम टारगेट। यदि आपने DSSB PRT TST PGT या अदर स्टेट के टैट होते हैं सी टैट यूपी टैट के लिए अप्लाई किया तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर साइकोलॉजी पेडागोजी और जितने भी सी टैट के बैक ईयर क्वेश्चन हुए हैं अब तक 2011 से उन सभी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, इसका नाम है हेरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। पहले सवाल उठता है कि अन्वेषण विधि क्या होती है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है या स्वयं खोज करके सीखता है, इसलिए इसके नाम से स्पष्ट, जैसे अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान करना या किसी चीज़ की खोज करना। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है। अब सवाल उठता है कि इसके जन्मदाता कौन है। इसके जन्मदाता हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, जो कि इंपीरियल कॉलेज लंदन में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने इस विधि को खोजा और इस विधि का प्रयोग शिक्षण में कब किया जाने लगा। रसायन विज्ञान के अनुसंधान के लिए जर्मनी गए हुए थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। वहां पर गणित के शिक्षण से बहुत प्रभावित हुए और गणित शिक्षण में की आवश्यकता पर उन्होंने बल डाला। इसमें अतिरिक्त परिणाम प्राप्ति के लिए उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया। तो इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय को पढ़ाने में किया गया, तो ये इसका आंसर होगा गणित विषय को पढ़ाने में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। लेकिन अब इस विधि का प्रयोग लगभग सभी विषयों को पढ़ाने में किया जाता है, क्योंकि बहुत ही उपयोगी विधि है। इसके कारण इस विधि का प्रयोग लगभग सभी विषयों को पढ़ाने में अब किया जाने लगा है। तो यह विधि क्या करती है, हमारे चिंतन स्तर का शिक्षण करवाती है, रिफ्लेक्टिव लेवल का शिक्षण या अधिगम करवाती है। यह विधि कुछ प्रमुख सिद्धांत है सीखने के, उनके ऊपर आधारित है। जैसे पहला सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यदि हम किसी कार्य को करके सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं और प्रभावी तरीके से सीखते हैं और वह हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक याद रहता है। तो ये पूछा जाए तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है ये विधि, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है एक तो, दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। और यह विधि उपयोगिता के सिद्धांत पर भी आधारित है, क्योंकि इस विधि में क्या करता है कि अपनी समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए कुछ नियम और सिद्धांतों का प्रयोग कर सिद्धांतों की खोज करता है। यह विद्यार्थी के विकास पर जोर देती है। उपयोगिता के सिद्धांत पर भी आधारित है यह विधि, समस्या का सिद्धांत के लिए समाधान के लिए विद्यार्थी प्रयत्नशील रहता है। इसके द्वारा नए नियम और सिद्धांतों की खोज करता है और उपयोगी नियमों को खोज लेता है जो उसके लिए उपयोगी होते हैं इसके अंदर। अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। सीखने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, अतः विद्यार्थियों को किसी क्रिया को सिखाने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों के तार्किक चिंतन का सहारा लेना चाहिए। यह विधि हमारे तार्किक चिंतन का भी सहारा लेती है, तार्किक चिंतन हमारे अंदर विकसित करती है यह विधि। अब सवाल उठता है कि इसके गुण क्या क्या हैं, हेरिस्टिक विधि के गुण क्या क्या हैं। पहला सबसे और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह विद्यार्थियों को कार्य करने के प्रति रुचि को जागृत करती है। यह विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, समय खोज करता है विद्यार्थी इसमें। अगला इसका गुण है समय कार्य करने की प्रवृत्ति बच्चों में पैदा होती है इस विधि से। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों ज्ञान प्राप्त होता वह स्थाई होता है, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त स्थाई होता है। इस विधि से क्या होता है कि परिश्रम, क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता आदि आदि गुणों का भी विकास होता है विद्यार्थियों के अंदर। इसमें गृहकार्य देने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों को, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है विद्यार्थियों के अंदर, वे वैज्ञानिक तरीके से सोचने लग जाते हैं इस विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। इस विधि के द्वारा क्या होता है कि निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। ये पढ़े हमने इसके कुछ गुण, जैसे रुचि उत्पन्न करती है, समय खोज करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता विद्यार्थी, ज्ञान स्थायी होता है, गृहकार्य देने की आवश्यकता नहीं होती, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है और निरीक्षण शक्ति का विकास करती है विद्यार्थियों के अंदर। अब इसके कुछ दोष भी है इस विधि के,
जिसके कारण यह इतनी प्रभावशाली विधि नहीं मानी जाती। पहला दोष है कि कम आयु के विद्यार्थियों को इस विधि से पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि कई कम आयु के बच्चे अन्वेषण करने के लिए उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे अन्वेषण कर सके, किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके खोज कर। इसी वजह से यह विधि कम प्रभावी होती है। प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक स्तर पर यह कम प्रभावी विधि होती है। इस विधि से संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता, प्रत्येक विषय को भी इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। इस विधि में विद्यार्थियों को गृहकार्य नहीं दिया जाता, इसलिए स्वयं अध्ययन का भी आदत का विकास बच्चों के अंदर नहीं हो पाता। तो यह हमने पढ़ी ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि। सबसे पहले हमने देखा क्या होता है कि इसमें समय खोज करके विद्यार्थी सीखता है। इस विधि के जन्मदाता कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। गणित शिक्षण में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, अब अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। यह हमारे चिंतन स्तर का अधिगम व शिक्षण अधिगम करवाती है। यह करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है, उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके कुछ गुण भी हैं, जैसे रुचि जागृत करती है, ज्ञान स्थायी होता है, गृहकार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके कुछ दोष भी थे, जैसे संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता, छोटी उम्र के विद्यार्थियों को इससे नहीं पढ़ाया जा सकता, प्रत्येक विषय को भी इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, गृहकार्य नहीं दिया जाता, तो बच्चे स्वाध्यान की आदत बच्चों में विकसित नहीं हो पाती। तो ये हमने पढ़ी ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस तरह की वीडियो देखकर लाभ उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।